Hello friends, you're most welcome in my YouTube channel AvyMANK Learn Anything. और इस वीडियो में आपके लिए मैं लाया हूँ How to remove duplicate in your Excel file. चलो दोस्तों देखते हैं कि हम duplicate text को या number को किसी भी array में या table में या किसी range में कैसे delete करते हैं with the shortcut keys. हम मंथ कॉपी करते हैं, दूसरे सीट पे जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं. पेस्ट करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे 2002 रोज के अंदर ये डाटा है और इसके अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं. मंथ तो हमेशा 12 ही होते हैं, तो इनको अगर डिलीट करना है तो हाउ कैन आई रिमूव this with the shortcut keys. तो इसका shortcut keys है, इसका shortcut अगर आप यूज करते हैं बहुत ही सिंपल है. Alt AM प्रेस कीजिए सेलेक्ट करने के बाद, Alt AM प्रेस कीजिए. प्रेस करने के बाद ऊपर लिखा यहाँ पे एक आइकन आ रहा होगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं My data has headers, तो इसका ध्यान रखें जरूर. अगर आपने अपना header भी सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ माई डाटा है या हेडर पे क्लिक कीजिए. अगर सेलेक्ट नहीं कर रखा है तो उसको अनचेक कर दीजिए. ओके सॉरी, इस केस में मैंने हेडर सेलेक्ट कर रखा था, हेडर के साथ सेलेक्ट कर रखा है. हमें हेडर चाहिए, मंथ तो हमें चाहिए. अगर मंथ सेम इसमें तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम कभी रिमूव करते हैं. तो इसको मैं चेक कर देता हूँ दोबारा से, माई डाटा हैज़ हेडर्स और देन ओके. जैसे आप वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, मतलब 1996 डुप्लीकेट वैल्यूज डिलीट कर चुका है और 5 यूनिक वैल्यूज रिमेन, तो इसका मतलब आप देख रहे हो कितने डुप्लीकेट ये डिलीट कर चुका है. ओके दोस्तों, हम दोबारा आते हैं सीट के अंदर. इस सीट के अंदर हम भी एक फिर रो दोबारा कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पेस्ट करते हैं. पेस्ट करने के बाद सेलेक्ट, ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखा है, नहीं तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिए. ओके सेलेक्ट करने के लिए इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डाउन एरो से आपका सेलेक्ट हो जाएगा. कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो पूरी एक रो में जो भी डाटा होता है कॉलम में वो सेलेक्ट हो जाता है. ओके एंड आफ्टर सेलेक्शन कंट्रोल ए एम प्रेस कीजिए, यहाँ पे आएगा रिमूव डुप्लीकेट्स, कंटिन्यू विद द करेंट सेलेक्शन. ओके रिमूव डुप्लीकेट. ओके इसका हमारे पास हेडर है तो हम चेक रहने देंगे, इसे अनचेक नहीं करेंगे. यहाँ हेडर दिखा रहा है प्रोडक्ट. ओके एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे. 1988 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 13 यूनिक वैल्यू रिमेन, तो 13 वैल्यू को रहने दिया है और 1988 डुप्लीकेट को डिलीट कर चुका है, रिमूव कर चुका है इस एरे के अंदर. ओके अब आते हैं हम, मान लो कि अगर हम एक पूरी टेबल को सेलेक्ट करें और उसके बाद हम रिमूव करें, ऑल्ट ए एम, हमने शॉर्टकट प्रेस किया ऑल्ट ए एम. मैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ऑल्ट प्लस A एंड M. हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट एम करते हैं, प्रेस किया. अब यहाँ पर मंथ प्रोडक्ट रेवेन्यू, इसमें आप अनचेक भी कर सकते हो किसका डाटा आपको डिलीट करवाना है. तो दोस्तों हमें सभी को मान लो हमें मंथ के अंदर जो भी मंथ आ रहे हैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट रेवेन्यू, तो वो सभी डिलीट कर देगा. देखो तो क्या होता है, मैं माई डाटा हैज़ हेडर पे हम क्लिक चेक रहने देंगे और ओके प्रेस करेंगे. ओके प्रेस करने के बाद 1386 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव एंड इतने रहने दिया. ओके तो दोस्तों ये किस बेस पे काम किया, ये वेब क्या काम किया है, रेवेन्यू के ऊपर. किसके ऊपर काम किया है, ये रेवेन्यू के ऊपर आप यहाँ देख रहे होंगे. तो ये रेवेन्यू के हिसाब से ये सारा डिलीट किया है डुप्लीकेट, क्योंकि इसके अंदर तो हमारे पास इधर देखोगे तो हमारे पास थे 6 और इधर थे 13, तो इसका मतलब ये रेवेन्यू के हिसाब से डुप्लीकेट को किया है. तो इसीलिए जब भी आप रिमूव करते हैं हम कंट्रोल जी करते हैं और उसके बाद कंट्रोल जी दोबारा करते हैं,
हम दोबारा हमारे पास सब आ गया, ऑल्ट ए हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम चाहते हैं किसके बेस पे डुप्लीकेट रिमूव करे, तो रिवेन्यू के बेस पे उसने डुप्लीकेट कर दिया, जिसका सबसे ज़्यादा डाटा होगा उसके हिसाब से रिमूव करेगा और उसके साथ वाली कॉलम को रहने देगा। आई मीन टू से दैट कि फर्स्ट रो में 6 थे और प्रोडक्ट वाले में कुछ थे और सबसे ज़्यादा था रेवेन्यू, तो रेवेन्यू वाले को डाटा के साथ जो भी डाटा है वो रहने ही देगा। वो मेनली रेवेन्यू का डुप्लीकेट को डिलीट किया है, ना कि प्रोडक्ट और मंथ को। अगर आप यहाँ से चाहते हैं प्रोडक्ट के बेस पे डिलीट करें तो वो डिलीट कर देगा प्रोडक्ट के बेस पे। तो आप उसको क्या करना हो, देख रहे हो 1988 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 13 यूनिक वैल्यू, जो कि हमारा प्रोडक्ट था 13, उसके हिसाब से यहाँ पर उसने रहन दिया, यानी कि इसके हिसाब से इसके आगे जो डाटा था उसको रहने दिया है, बाकी प्रोडक्ट का जो भी डुप्लीकेट था वो डिलीट कर दिया और उसके सामने का डाटा रहन दिया। इसको इससे मतलब नहीं है कि इसके अंदर क्या डुप्लीकेट है कि नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें जब भी अगर आप कोई टेबल साथ में डिलीट करते हैं तो एक्चुअली ये कभी हम एक पार्टिकुलर कॉलम को रिमूव करने के ही ज़्यादा कर काम आता है हमें। तो इस तरह से आप शॉर्टकट कीज के थ्रू डुप्लीकेट डिलीट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही आगे बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।